टू पीके ट्यूटोरियल्स आज हमारा टॉपिक है तीन प्रॉपर्टी के बारे में रिफ्लेक्सम एंड ट्रांजिट अगर कोई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी सस्टेन करते हैं तो इट मीनस देर इक्वेलेंस रिलेशन सो इसी को बेस्ट बनाते हुए हैं हम नेक्स्ट मो करते हैं अबाउट इक्वेबलेंस क्लासेज इक्वेबलेंस क्लासेज की जो डिफिनीशन है कि अगर कोई भी हमारे पास आर यानी रिलेश रिलेशन जो हो वो इक्वेबलेंस रिलेशन हो किसी भी सेट ए पर और उस सेट के तमाम एलिमेंट जो है वो रिलेटेड टू एन एलिमेंट एफ ए अगर उस सेट ए का हम कोई भी एलिमेंट ले लें और कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड हो देन इज़ कॉल्ड क्लास ऑफ़ तो इसको थोड़ा सा समझाना एक एग्जाम्पल से इजी है नेक्स्ट एग्जाम्पल से इट विल बी मोर क्लियर सो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर इज डिनोटेड बाई सो जो uh, हम यूज सिंबल ए को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और स्मॉल आर लिखते हैं सो इट मींस कि एक ए का जो इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू आर इसको हम इस तरह पढ़ते हैं सो व्हेन ओनली वन रिलेशन अगर कोई भी एक रिलेशन अंडर कंसीडरेशन हो कि मींस हम सारे को नहीं कंसीडर करते हैं फिर हम जो सबस्क्रिप्ट हैं आर ये वाला आर तो इसको नहीं देखते ओनली एक क्लास तो इसका means के हम ये एक एक्वे क्लास है इस बी को अगर इसका ये मेंबर है इस क्लास का देन वी कैंसार्ड इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इक्वेलेंस क्लास सो ये हमारे पास ए है ये इक्विवेलेंस क्लास है एन एक रिलेशन आर सो एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट uh, क्लास uh, में हमने एग्जाम्पल एक लिया था स्ट्रिंग्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ कि कोई भी स्ट्रिंग हो और उसका जो लेंथ सेम लेंथ हो ठीक so, है सो उसी एग्जांपल एग्जाम्पल लेते फॉर एग्जाम्पल हम माउस एक वर्ड है इंग्लिश वर्ड है तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा ठीक है तो so, इसका क्लास क्योंकि हमने लेंथ के हिसाब से लिया था स्ट्रिंग की लेंथ तो इसमें हमारे पास पांच लेटर्स है इंग्लिश सो माउस इज द सेट ऑफ अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये एक क्लास बन गया इज द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड्स कंटेनिंग फाइव लेटर्स अब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं जिसमें पांच लेटर्स हो तो वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं ठीक सो so, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हॉर्स एच ओ आर एस ई -E, इसमें भी पांच लेटर्स हैं इंग्लिश के और माउस में भी पांच है तो ये इसी क्लास से बिलोंग करता है इसी तरह ब्रेक चेयर क्राउड अब इसमें हमने कोई और कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है जो रिलेशन का हमारे पास कैटेगरी है या जो रिलेशन की स्पेसिफिकेशन है इट्स ओनली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स यानी जो स्ट्रिंग की लेंथ है हमारे पास लेटर नंबर ऑफ लेटर बाकी डज नॉट मैटर इसमें कोई भी आप क्लास बना सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल आप एनिमल के क्लास बनाते उसमें एक रिलेशन आप डिफाइन करते हैं कि इसकी रिलेशन एनिमल होना चाहिए सो so मीन्स कि ये एनिमल क्लास uh, का कोई जानवर है इसी तरह स्टूडेंट में क्लास है हमारे पास तो हम कहते हैं ये क्लास सिक्स का है क्लास सेवन का है क्लास एट का सो so, इस क्लासेस में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो एक ही पढ़ाई करे इट मींस दे हैव सम रिलेशन दे विल स्टडी द सेम कोर्सेज ठीक है इसलिए हम इसको क्लासेस कहते हैं एक त्यूरम है आ, कि अगर हमारे पास आर एक इक्वेलन रिलेशन हो सेट पर then the following statement are equivalent. So ये तीन statement हमें दे गए हैं एक तो ये है कि A का जो equivalence relation होगा B से ये symbol जो last class में हमने use किया था वही second है कि A और B इन दोनों का class same होगा ठीक है और third है कि A class और B class का जो intersection है वो empty set नहीं होगा ठीक है इन तीनों property को ये इक्वेवल है तीनों और इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज करते हैं कि इसको इसको भी किया जा सकता है आ, एक किताब में है, बुक के 643 पर वाज़े बयान किया गया है कि फर्स्ट जो है इट इम्प्लाइज अगर हम एज्यूम करें कि फर्स्ट है इम्प्लाइज टू या सेकेंड और इसी तरह टू इम्प्लाइज थ्री फॉर एग्जांपल अगर कोई हम एलिमेंट ले ले सी, Suppose it belongs to A, फिर हम इसको कर सकते क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पड़ी थीपर्टी ये, ये वाली आर एस टी के जो रिलेशन होता है हमारे पास सेमेट्रिक भी होता है ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है तो उसके थ्रू हम ये दोनों तीनों uh, इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक है सेकंड वी शो दैट टू दू थ्री अगर ये दोनों सेम है इट दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू सेट क्योंकि जो ए होगा हमारे प्लास क्लास का वो एम टी सीट नहीं होगा एंड बिकॉज ए बिलोंग्स टू ए एंड आर इज रिफ्लेक्सिव सो ये तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसी के थ्रू से ये थ्योरम आर एस टी इस पर बेस करता है ठीक है सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्टीशन uh, जो इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं पार्टीशन क्या होता है uh, जिस तरह के नाम से जाहिर है पार्टीशन मीन्स कि अगर कोई क्लास हो कोई सेट है उसको हमने डिवाइड किया होता है उस क्लास को सो ए पार्टीशन ऑफ ए सेट इस तो ये जो पार्टीशन होगा हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ डिस सबसेट्स ऑफ एस हो गए ये हमारे पास एस कोई सेट है और इसकी जो पार्टीशन हो गए वो डिस जॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे सो दे हैव एस एस दे आर यूनियन अगर इन सबसेट जो पार्टीशन है उसका यूनियन ले ले तो एस के बराबर होगा इन अदर वर्ड्स कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ए आई आई बिलोंग्स टू आई जो कैपिटल आई इज मीन इंडेक्स सेट नेक्स्ट मैं समझाता हूँ इंडेक्स सेट क्या होता है फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ तो ये तीन कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगर इस पर आ, को आ, पूरा उतरते हैं तो इट मींस कि ये पार्टीशन है फर्स्ट है कि ए आई जो होगा इज नॉट एम्प्टी सेट फॉर आई बिलोंग्स टू आई तो इंडेक्स सेट से आई बिलोंग करते हैं सेकेंड है कि आई इंटरसेक्शन ए जे ए uh, और दोनों कोई भी अगर पार्टीशन ले ले दोनों सबसेट ले ले कोई भी तो वो एम सेट होगा उसका जो इंटरसेक्शन होगा और थर्ड जो है हमारे पास अगर सारे पार्टीशन का यूनियन ले ले, तो उससे जो एस होगा हमारे पास वही आएगा अब विजुअली अगर इसको देखें, ये हमारे पास एक एस सेट है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट एस है कंप्लीट तो इसके जो पार्टीशन है ए A9. A9 वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फ ए वन ए टू तो इस वन टू थ्री फोर फाइव अप टू नाइन इसको हम कहते हैं इंडेक्स सेट ठीक है तो नाइन हमारे पास इंडेक्स सेट में नंबर ऑफ फेल्यूज जो है वो कितने हैं नाइन अब इन सबको मिलाकर इस पर ये तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ए आई कोई भी ए वन ए टू एम्प्टी एम टी सेट नहीं होगा क्योंकि अगर खाली सेट होगा फिर इसको हम इस शक्ल में जाहिर नहीं करें इसमें जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे दे शुड देर शुड बी सम एलिमेंट्स ठीक है तो ये फर्स्ट कंडीशन पर पूरा उतरता है सेकेंड कंडीशन अगर तो तो uh, कोई भी, तो uh, no भी, भी दो सेट ले ले फॉर एग्जाम्पल ए वन ए टू हमने लिया तो उसमें कोई भी ओवरलेपिंग नहीं होगा वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो वेन डायग्राम में हमारे पास ओवरलेपिंग आता है अब इस फिगर को इसमें कोई भी ओवरलेपिंग नहीं है तो इस सेकेंड कंडीशन का इन सिंपल वर्ड देयर शुड बी नो ओवरलेपिंग ऑफ एनी टू सबसेट कोई भी ए वन ए फोर ए फाइव ए सिक्स कोई भी दो सेट ले ले उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा मीन नो इंटरसेक्शन सेकंड थर्ड का जो ऑप्शन है थर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका मीनिंग है कि इन सब को मिला के इस बनते होगा हमारे पास इन सब का ए ए वन यूनियन ए टू ए थ्री ये जो हमारे पास है आई इज अ सब्सक्रिप्ट फ्रॉम इंडेक्स सेट अप टू एन वन अप टू एन अगर इन सब का यूनियन ले ले तो हमारे पास सेट एस बनेगा कंप्लीट सेट सो so, ये तीन प्रॉपर्टी हैं अगर इसको फुलफिल करते हैं तो इट मींस दिस दिस सबसेट आर आर पार्टीशन ऑफ सेट एस इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती सो इट इट शुड विल नॉट बी अ पार्टीशन ऑफ द सेट सो okay. एग्जांपल so, से हम देखते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है वन टू थ्री फोर फाइव से हमारे पास एक सेट है तो इनके जो कलेक्शन सबसेट हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए वन में हमारे पास वन टू थ्री है ए टू में फोर फाइव ए थ्री में सिक्स क्या ये जो पार्टीशन है फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एस तो ये जो तीन सेट हैं, क्योंकि हमने क्या करना है इसको में हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है अब देखिए फर्स्ट है इसमें से a1 a2 a3 कोई भी नॉन कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है सेकंड प्रॉपर्टी इन दोनों का अगर हम आपस में हम इंटरसेक्शन ले ले तो एम्प्टी सेट होगा इस तरह a2 a3 का ले ले a1 a3 का ले ले किसी भी 3 में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सेकंड प्रॉपर्टी इज फुलफिल्ड प्रॉपर्टी इन तीनों का अगर यूनियन ले ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री तो हमारे पास एस जो सेट है वो हमारे पास आ सकते हैं सो इट मींस कि ये जो सेट है ए वन ए टू ए थ्री इट फॉर्म्स ए सेट एस सो इस सेट एस के जो है ये हमारे पास इनके पार्टीशन है थ्री तो so इसको हम पार्टीशन कहते हैं आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज सिंपल इसी तरह के एक और एग्जाम्पल ले लें लेट एस बी द सेट ऑफ सेट यू एम बी आर ओ सी के एस डू set ऑफ सेट पार्टीशन अब क्वेश्चन है क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी को हमने चेक करना है तो इस प्रॉपर्टी को साइड पे लेके अगर तीनों प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करते फुलफिल करते हैं तो देयर शुड बी पार्टीशन सो फर्स्ट एम ओ सी के आर यू बी क्या ये पार्टीशन है इसका कि नहीं है Yes, क्योंकि O सी के अब एम ओ सी के इसमें से आर यू बी एस ये सारे इसमें अवेलेबल है दोनों पार्टीशन ठीक इसमें फोर वर्ड से फोर लेटर है उसमें भी फोर और ये पूरा इस सेट को फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड थर्ड दो सबसेट है और दोनों में से कोई एम सेट नहीं है इनका अगर डिस इंटरसेक्शन ले लें वो भी एम सेट और दोनों को मिलाकर हमारे पास सेट इस होता है सो so ये हमारे पास पार्टीशन है इसी तरह सेकेंड ये हमारे पास नहीं है क्योंकि के हमारे पास मिसिंग है अगर हम इसका फाइनल ये जो थर्ड वाला है यूनियन ले लें तो हमारे पास ये सेट हासिल नहीं होता है सो इट मीनस इट इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ एस इसी तरह ये ये भी पार्टीशन क्योंकि T इज नॉट इन ये इधर t हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया और वो हमारे पास सेट s में प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट yes, क्योंकि ये ये एक ही सेट सेट है और ये पूरा हमने दे दिया उसका तो ये हमारे पास सब पार्टीशन है नेक्स्ट वन बी अच्छा इसमें ओ जो है वो डबल है तो ये भी पार्टीशन uh, है क्योंकि बी सेट According to set rules, जो डबल ओ होता है दो अगर एक रिपीटेड एलिमेंट होता है इच इज शीड कंसिडर्ड एज ए सिंगल एलिमेंट सेट थी में पढ़ा है हमने इसको नेक्स्ट so, है हमारे पास यूएम बी uh, इसमें क्योंकि एम टी सेट है तो ये भी हमारे पास पार्टीशन uh, सेट नहीं है ठीक है क्योंकि एम टी सेट इज नॉट अलाउड नेक्स्ट एक थ्योरम है अगर आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो सेट एस पर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ फॉर्म ए पार्टीशन तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं उस रिलेशन का वो क्या करते हैं पार्टीशन ऑफ एस बनाते हैं या कन्वर्सली गिवन ए पार्टीशन अगर हमारे पास पार्टीशन हो ऑफ सेट एस देयर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस क्योंकि अगर हमारे पास पार्टीशन दिए गए हो तो उसका एक इक्वेलेंस एक एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन के हमारे पास इक्वेलेंस क्लासेस होंगे ठीक है तो ये एक थ्योरम है इसी एग्जाम्प एक 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 इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं आ, ये देखें हमारे पास इसकी पार्टीशन है सारे दिए गए ए वन तो इससे हम क्या करते ए वन अप टू ए एन इसकी इक्वेलेंस एक, एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इस रिलेशन के बेस पर इसकी क्लासेस बनाते हैं तो so, एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एज्यूम दैट फ्रेंक सुजेना जॉर्ज लिव इन बोस्टन ठीक है ये तीन बंदे हैं ये फ्रेंक है सुजेना एंड जॉर्ज दे आर लिविंग इन बोस्टन स्टिफानिया एंड मैक्स लिव इन ल्यूबेक और जीनीफर लिव इन सिडनी अब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है ठीक तो इसमें जो हम इक्वलेंस रिलेशन दिया गया है कि टू ए एंड बी सच देट ए एंड बी लिव इन द सेम सिटी अब ये एक रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है सेट पी पर सेट पी में हमारे पास क्या है फ्रेंक छः बंदे हैं फ्रेंक सुजेना जॉर्ज स्टिफानिया मैक्स एंड जिनेफर सो ये छः बंदे हैं और इसमें जो रिलेशन है कि दो ए और बी जो पेयर हैं ए एंड बी लिव इन द सेम सिटी अब इसमें जो फर्स्ट तीन है मैंने कलर का चेंज किया इट ये तीनों बोस्टन में रहते हैं बाय नेक्स्ट टू जो है वो ल्यूबेक में और लास्ट जो वन है वो सिडनी में रहते हैं अब इसका हमने क्या करना है इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्ट करना है इसका रिलेशन हम किस तरह बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रिलेशन है क्योंकि फ्रेंक फ्रेंक दोनों बी क्योंकि पेयर में हम दोनों सेम ही ले सकते हैं ए कमा ए तो फ्रेंक 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 पर फ्रेंकना दूसरे के साथ इसके बाद तीसरे के साथ इसी तरह दूसरा पर फर्स्ट के साथ पर सेकेंड पर थर्ड जिस तरह हमने पहले मालूम किया था तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया इसके बाद स्टीफानिया और मैक्स ये दोनों आपस में जो एक सिटी है क्योंकि उसका जो रिलेशन है लिबेक दे लिव इन द सेम सिटी और आखिर जो लास्ट वन है ये जीनीफर वो तो, क्योंकि अकेली है तो वो उसका जो पेयर है वो सिर्फ वन ही होगा सो इट मीन ये हमारे पास रिलेशन आ गया अब इसकी जो हम रिक्वेलेंस क्लासेस या पार्टीशन किस तरह बनाएंगे क्योंकि इसके देखे अब इसको हमारे पास रिलेशन आ गया अब इसके जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे ऑफ आर का वो किस तरह सिटी वाइज बनेंगे ये तीन है इसको हम अलग सेट इस पार्टीशन सेकेंड जो हो गए दोनों जो दूसरे सिटी में रहते हैं, उसको सेकेंड पार्टीशन और थर्ड तो ये तीन पार्टीशन हो गए और ये हमारे पास जो सेट पी था उसी को इसी के क्या कहते हैं पार्टीशन ठीक है तो बड़ा सिंपल है इसको क्योंकि तीनों जो प्रॉपर्टी थे वो तीनों प्रॉपर्टी को भी मेंटेन रखते हैं क्योंकि उसमें कोई भी खाली सेट भी नहीं है सेकेंड इसमें अगर इंटरसेक्शन ले ले तो इंटरसेक्शन भी हमारे पास एम टी सेट आएगा और थर्ड जो है तीनों को अगर मिलाए तो हमारे पास जो सेट है पी वही हमारे पास यानी पर्सन का जो सेट है पी वो हमारे पास आ जाएगा सो so, लिहाजा ये तीनों जो हैं इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ऑफ रिलेशन आर का सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी क्लास रिलेशन अगर हम इसी तरह कोई भी क्लासेस इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पर डिफाइन करें सेट दे करेंटिशन पार्टीशन तो वो उस सेट के पार्टीशन बनाते हैं क्योंकि एवरी एलिमेंट इन द असाइंड टू एक्जेक्टली वन क्लास ऑफ इक्वे वन ऑफ द इक्विवेलेंट क्लासेस क्योंकि इसमें जो भी बंदा है वो एग्जैक्टली वन क्लास से ही बिलोंग करेगा अब कोई भी बंदा एट ए टाइम दो सिटी में नहीं रह सकता है सो बेसिकली दैट्स द ट्रिक के जो सेटों में हम uh, सेट थ्योरी वगैरह में कोई भी हम थ्योरी अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं उसको स्पेसिफाई करें कि उसमें कोई भी इ एरर ना हो क्योंकि अब एक बंदा एक ही जगह पर एट ए टाइम रह सकता है दो पर नहीं रह सकता है तो वे कि उस वेट uh, थ्योरी में और जो क्लासेस हम बुलाते हैं ज्यादातर इसी में यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल जो हम रिसर्च वाइज क्वेश्चन बनाते हैं ओके थैंक्स गाइस, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ओके Bye bye.